हे गाइस, स्वागत है आपका नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं Huami के आने वाले नए स्मार्ट वॉच के बारे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बात हो रही है Amazfit Bip U सीरीज के दूसरे स्मार्ट वॉच की, जो कि अभी हाल में आने वाला है। तो गाइस, यहाँ पे Bip U जो आया है वो काफ़ी अच्छा, मतलब मार्केट रिस्पॉन्स देखने को मिला है, जहाँ पर बहुत अच्छी सेल इन्होंने जैसा बताया है कि आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर स्क्रीन में। तो गाइस, Bip U जो है वहाँ पे काफ़ी कुछ स्पेसिफाइड नहीं था और लोगों के काफ़ी ज़्यादा डाउट्स थे कि जैसे GPS है या नहीं। तो गाइस, कुछ कुछ चीज़ें थी जो Bip U में नहीं है। अब कंफर्मेशन है कि दोस्तों, एज इफ जैसे Bip U के लिए Amazfit ने, उन्होंने अपने ऑफिशियल साइट पे नहीं बताया था कि इसमें GPS नहीं आ रहा है या फिर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है या नहीं, ये सब चीज़ें नहीं बताई थी। तो गाइज, अब Bip U सीरीज के दूसरे स्मार्ट वॉच की जो अगर हम बात करने वाले हैं, Bip U Pro, वो दोस्तों सही में एक प्रो वर्जन है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। जहाँ पे दोस्तों GPS तो है ही है, और यहाँ पे आपको और भी कई चीज, जैसे दोस्तों बिल्ट इन GPS का सपोर्ट, सेंसर्स आपको सपोर्ट देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पे NFC का भी सपोर्ट देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ दोस्तों माइक्रोफोन का सपोर्ट भी आपको देखने को मिल सकता है इसी में। तो गाइज, इसी स्मार्ट वॉच में हो सकता है आपको यहाँ पे स्पीकर इनबिल्ट देखने को मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, आप आंसर कर सकते हैं कॉल को और साथ ही साथ पिक भी कर सकते हैं, मतलब काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ इस बार जो Bip U की सीरीज में दूसरा स्मार्ट वॉच आएगा, जो कि है दोस्तों Bip U Pro, उसमें काफ़ी अच्छी अच्छी स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल जाएंगे। तो गाइज, जब ये Bip U सीरीज का नाम लिया जा रहा था, तभी हमें समझ जाना चाहिए था कि एक नहीं, दो या तीन वॉचेस हो सकता है आपको Bip U की सीरीज में देखने को मिल जाए। तो गाइस, Bip U सीरीज की जो दूसरी स्मार्ट वॉच है, जो कि है Bip U Pro, उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है, चलिए एक बार गौर करते हैं। तो गाइस, अगर हम कलर्स की बात करें तो हो सकता है यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा दो तीन कलर का ऑप्शन देखने को मिल जाए, जो कि दोस्तों Bip U से काफ़ी ज़्यादा अलग होंगे, जिसमें दोस्तों एक ब्लैक नॉर्मल कलर हो सकता है। कंपैटिबिलिटी वही दोस्तों iOS एंड्रॉयड दोनों के लिए है। स्क्रीन साइज़ दोस्तों बिल्कुल सेम होने वाली है, 1.43 इंचेस की TFT डिस्प्ले होने वाली है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट इस बार आपको देखने को मिलेगा। स्क्रीन प्रोटेक्टर भी सेम आपको दिया गया है, 2.5D ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 पे। और उसके अलावा गाइस, पॉलीकार्बोनेट बैक भी देखने को मिल जाती है, शेप रेक्टेंगुलर ही, वेट में अंतर देखने को मिल जाएगा गाइस, 35 ग्राम्स का हो सकता है। नोटिफिकेशन में आपको इनकमिंग कॉल आप रिसीव भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट करके बात भी कर सकते हैं। हो सकता है Bip U Pro में आपको इनबिल्ट स्पीकर देखने को मिल जाए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसके अलावा गाइस, SMS, WhatsApp सब चीज़ का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, म्यूजिक कंट्रोल, कैमरा कंट्रोल सब कुछ कर सकते हैं दोस्तों। ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का सपोर्ट मिलेगा। बैटरी दोस्तों इस बार आपको 230 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जिसमें दोस्तों 8 डेज तक का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। GPS, जी हाँ दोस्तों, इनबिल्ट आपको इसी बार देखा जाए तो दोस्तों स्पेसिफिकली ये GPS के लिए ही आ रहा है। जैसे कि दोस्तों कलरफिट नॉइस प्रो जो आया था, नॉइस कलरफिट प्रो 2, और उसके बाद उन्होंने नॉइस कलरफिट प्रो का एक नेविगेशन लॉन्च किया, वैसे कुछ आपको Amazfit का भी सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों सभी कुछ चीज़ें सेम है Bip U के जैसे। यहाँ पे दोस्तों साथ ही साथ में 60 स्पोर्ट्स मोड्स और साथ ही साथ दोस्तों 50 वॉच फेसेस आपको देखने को मिल जाएंगे, और काफ़ी अच्छे अच्छे कलर्स में आपको स्ट्रैप्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि दोस्तों चेंजेबल है, आप मार्केट से उसमें अपने हिसाब से कस्टम स्ट्रैप्स भी लगवा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है गाइस। अगर हम बात करें लॉन्च की बात करें, इंडिया में आपको अगले मंथ में देखने को मिल जाएगा। और अगर आप प्राइसिंग की बात करें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे नेविगेशन भी ऐड हो चुका है और साथ ही साथ दोस्तों माइक्रोफोन भी ऐड हो चुके हैं, तो दोस्तों यहाँ पे प्राइसिंग आपको देखने को मिल सकती है अप्रॉक्स 5000 तक, यानी कि 4999, जो कि एक सेल प्राइस होगी दोस्तों। वैसे अगर हम बात करें इसके लॉन्च प्राइस की, तो हो सकता है गाइज आपको 7999 आपको ये प्राइसिंग में लॉन्च होता हुआ ये दिख सकता है। तो गाइज, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप अच्छी लगी होगी ये वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।